नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रांसमिशन मीडियम। हमने प्रीवियस पढ़ा मैसेज प्रोटोकॉल्स सेंटर एंड रिसीवर। वी आर टॉकिंग अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन मीडियम। तो हमारा लास्ट टॉपिक रह गया था, लास्ट पॉइंट रह गया था ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन मीडियम होता क्या है? अच्छा, ट्रांसमिशन मीडियम एक पाथ है जिसके जरिए मैसेज एक जगह से दूसरी जगह जाता है। जब भी आपने कहीं जाना होता है तो आप किसी ना किसी रास्ते के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। इसी तरह जब आप किसी किसी रिसीवर को या किसी अपने रिलेटिव को मैसेज सेंड करते हैं तो जो आप मैसेज सेंड करते हैं वो किसी ना किसी पाथवे के जरिए जाता है, किसी ना किसी रास्ते के जरिए जाता है। तो ट्रांसमिशन मीडियम क्या होता है? ट्रांसमिशन मीडियम फिजिकल पाथ होता है जिसके जरिए आपका मैसेज एक जगह से दूसरी जगह जाता है। फिजिकल मीन्स जिसका हम टच कर सकते हैं, या अच्छा मीडियम इज अ फिजिकल पाथ डेट कनेक्ट अ सेंडर एंड रिसीवर। जो ट्रांसमिशन मीडियम है ये फिजिकल पाथ है जो सेंडर और रिसीवर दोनों को आपस में कनेक्ट करता है। अब आपने किसी को भी मैसेज सेंड करना है तो ये लाजमी है कि आप भी इंटरनेट के ऊपर कनेक्टेड हों या नेटवर्क के ऊपर कनेक्टेड हों, और जो आपका रिसीवर है जिसको आपने मैसेज सेंड करना है वो भी नेटवर्क के ऊपर कनेक्टेड हो। फॉर एग्जाम्पल आप किसी को कॉल करते हैं तो कॉल करने के लिए ज़रूरी है कि जो आपका रिसीवर है जिसको आपने कॉल करनी है उसके पास भी मोबाइल हो और आपके पास भी मोबाइल हो। तो ट्रांसमिशन मीडिया में दो सेंडर और रिसीवर को आपस में कनेक्ट करने के लिए एक फिजिकल पाथ की ज़रूरत होती है जिसको ट्रांसमिशन मीडियम कहते हैं। इट इज़ यूज्ड टू ट्रांसमिट डाटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इसको डाटा को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड कम्युनिकेशन चैनल। इसको कम्युनिकेशन चैनल भी कहते हैं, आपके ट्रांसमिशन मीडियम को कम्युनिकेशन चैनल भी कहते हैं। अच्छा, ये जो ट्रांसमिशन मीडियम होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक वायर्ड होता है और एक वायरलेस होता है। एक वायर्ड और एक वायरलेस। वायर्ड जिसमें वायर्स यूज़ की जाती हैं, फिजिकल वायर्स यूज़ की जाती हैं, जैसे कि ये लिखा हुआ कॉपर वायर्स, फाइबर ऑप्टिक्स, ठीक। इसके अलावा भी कोएक्सियल वायर वगैरह काफ़ी वायर्स हैं, ठीक। तो ये आपका वायर्ड ट्रांसमिशन मीडियम कहलाता है। और जो वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम होता है वो आपके वाईफाई, जिसको आप माइक्रोवेव्स कह सकते हैं, ठीक है, रेडियो वेव्स, जिसके जरिए आपके रेडियो की ट्रांसमिशन होती है। उसके बाद जो वॉकी टॉकी होता है, जो वार्डन वगैरह या पुलिस वाले यूज़ करते हैं वायरलेस सिस्टम, वो सारे जिस मीडियम के जरिए कम्युनिकेशन करते हैं वो वायरलेस भी है। तो कम्युनिकेशन मीडियम की दो टाइप्स हैं, एक वायर्ड और एक वायरलेस।